हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस स्टोरीज हब। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं या अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हां, आप मोबाइल की सहायता से भी और आपके पास यदि लैपटॉप या अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो आप कुछ समय में अपना एक वेबसाइट और अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप भविष्य में बहुत अच्छी जो कमाई भी उसका कर सकते हैं। कि ब्लॉगिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, क्या कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए आपको, और क्या क्या प्रोसेस है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ हमारी एक वेबसाइट है एमएस नॉलेज हब। आप यहाँ पर आकर के हमारी जो हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर आप पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपसे जो अर्निंग वगैरह से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे रिलेटेड है, या साइंस है, या जो अपकमिंग हमारे जो इवेंट्स चलते हैं उनसे रिलेटेड मैं जितनी भी पोस्ट होती हैं वो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। उसी में से मैं आपको एक आज पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर कहता हूँ कि सभी चाहते हैं कि उनकी अपनी एक वेबसाइट हो, अपना जिनका बिजनेस है या अपना कोई चीज़ की अपनी, या कोई इंडिविजुअल भी है वो चाहता है कि अपनी उसकी अपनी एक वेबसाइट हो जिसपे वो अपने जो विचार साझा कर सके या अपनी पोस्ट बना सके और उसके माध्यम से उसे अच्छी खासी अर्निंग भी होने लगे भविष्य में। तो ऐसा करने के लिए आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास में बस दो चीज होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत अधिक पैसा हो, ये दो प्रकार से हो सकता है। आप जीरो बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका अगर पास जीरो है तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी समय जो है आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के समय में सब लोग घर पर बंद थे और सभी तक जॉब के जो हो जाते दिक्कत हो रही है, तो सभी लोगों ने जो है अपने लैपटॉप और मोबाइल की सहायता से कुछ ना कुछ ऑनलाइन वर्क कर लिया है। किसी ने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, किसी ने ब्लॉग्स बनाए हैं। तो मैं अभी धीरे धीरे आपको कुछ ऐसे ही जो ऑनलाइन अर्निंग के जो तरीके हैं वो देने वाला हूँ, प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और मैं पोस्ट भी डालता रहता हूँ अपनी वेबसाइट पे से संबंधित। तो आज तो मैं केवल आपको ब्लॉग के बारे में बताऊंगा कि आप अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना होगा जिसमें आप अपना ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा आर्टिकल बना करके, एक लेख बना करके अच्छा खासा, उसके बारे में 500-1000 वर्ड से लिख करके किसी भी आर्टिकल के बारे में और किसी भी टॉपिक के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल बनाकर आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ मैं कुछ प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो जैसे कि ब्लॉगर है, एक तो जो ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल द्वारा संचालित है, तो ब्लॉगर पर भी जाकर आप अपनी वेबसाइट जो क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉगर पर आपको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। आप चाहे तो ब्लॉगर ले सकते हैं या वर्डप्रेस ले सकते हैं या टम्बलर। आपको वर्डप्रेस जो है थोड़ा कॉस्टली है, उसमें आपको जो है फ्री कुछ नहीं मिलता है, उसमें आपको सब कुछ खरीदना पड़ता है। परंतु जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर पर आपको होस्टिंग फ्री मिलती है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, ये भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगर जो है गूगल का फ्री सॉफ्टवेयर है या एक प्रोडक्ट मान लीजिएगा, एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद आप उन पर अपने कॉन्टेंट्स जो होते हैं, जो भी आपके पास मटेरियल्स है या जो भी आपके पास ऐसी नॉलेज है जिसको आप शेयर कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वहां पर आप उसे अपनी एक वेबसाइट का रूप दे सकते हैं। ऐसे ही एक वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे थोड़ा इसका जो होस्टिंग थोड़ा आपके प्रीमियम फीचर्स होते हैं, इसकी जो टेम्पलेट होती है, उसकी आपकी डिस्प्ले का जो लुक होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसकी कमेंट बॉक्स भी थोड़ा सा अलग होता है, तो कुछ डिफरेंस है इसमें। और जो है अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ब्लॉगर से स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आपसे ब्लॉगिंग थोड़ी थोड़ी आने लगेगी तो आप धीरे धीरे वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो सकते हैं। वर्डप्रेस जो बिगनर्स के लिए एकदम से मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, चाहे तो आप वर्डप्रेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा अफोर्ड कर सकते हैं आप, उसके लिए लगभग 7000 रुपीज लगता है आपको 1 ईयर का, तो आप इतना अगर करना चाहें तो वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लॉग का प्लेटफॉर्म आपने चूज लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ब्लॉग का प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद आपको जो एक डोमेन सेलेक्ट करना है। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपनी वेबसाइट का जैसे नाम रखना है, जैसे कि हमारी वेबसाइट का नाम है msknowledgehub.com। तो देखिए, जो हमारा जो msknowledgehub.com है ये हमारा डोमेन है, अर्थात ये डोमेन मतलब एक यूनिक नेम होता है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस जैसा दूसरा नाम आपको नहीं मिलेगा, नहीं ऐसी कोई वेबसाइट मिलेगी। तो ये डोमेन मैंने लिया है, तो ये मेरा डोमेन नेम है। ऐसे आपको अपना एक अपने नाम से या आप अपने किसी भी जो आपको अच्छा लगता है नाम, उस नाम से एक डोमेन ले लीजिएगा, उस डोमेन को आप अपने जो ब्लॉगर में जाकर अटैच कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट को एक नाम मिल जाएगा, लोग उस डोमेन से आपकी वेबसाइट को सर्च करेंगे। ठीक है, ये तो था आपका। इसमें आपको जो है डोमेन में आपको .com, .in, .info, .co, .in इस तरीके के डोमेन आपको मिलते हैं, आप ये डोमेन ले सकते हैं।
तो ये कुछ फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो फ्री डोमेन में जो है ब्लॉगर तो फ्री प्रोवाइड कराता है आपको blogspot.com और वर्डप्रेस भी कराता है फ्री, परंतु फ्री में जो है इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं मिलती है। वो आपके लिए सीखने के लिए काफी है, अगर आप बिना किसी कमाई की इच्छा से केवल सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो कर सकते हैं। परंतु जब आप इसमें प्रिफ्रेंस हो जाएंगे, आप अच्छा करने लगेंगे, तो आप जो है blogspot.com से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वो आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। तो आप जो चाहे तो किसी भी वेबसाइट से जाकर के एक डोमेन खरीद लीजिएगा, जैसे गोडेडी है और वैसे वेबसाइट है, वहां से आप ले सकते हैं। मैं किसी वेबसाइट को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी लीजिए। उसके बाद है चूज, आपको एक करना है क्या, फिर वेब होस्टिंग लेनी है। देखिए वेब होस्टिंग में क्या है, ब्लॉगर में तो वेब होस्टिंग फ्री होती है। वेब होस्टिंग मीन्स यानी कि आपका डाटा कहाँ सेव होता है, अर्थात आप जो अपना पोस्ट बना रहे हैं, जो भी आपका डाटा है, वो एक होस्ट में जैसे कौन होस्ट करता है, तो वहां पर एक आपको एक कंपनी लेनी पड़ती है या एक होस्टिंग लेनी पड़ती है, समझ लीजिए कि जो आपका डाटा को होस्ट करता है, आपकी वेबसाइट पर जो आर्टिकल डाला है उसे वो रैंक करता है, उसका स्टोरेज रखता है, उसकी सारी कंट्रोल उसके पास होता है। मगर जो आपका ब्लॉगर है, ब्लॉगर में ये सब कुछ होता है गूगल के पास। अब वर्डप्रेस में आपको होस्टिंग अलग से लेनी पड़ेगी। होस्टिंग के लिए भी कई सारी ऐसी कंपनी हैं या जो है वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं, उसमें आप फ्री भी ले सकते हैं, कुछ पेड भी होती हैं, तो आप ये होस्टिंग ले लीजिएगा। उसके बाद आप इसका बताता हूँ कमाई का, कि आप ब्लॉग से कमाई कैसे करते हैं। देखिए कमाई करने के इसमें कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आपका अच्छा खासा अगर ब्लॉग चल जाता है, आपके पास अच्छे विजिटर्स आ रहे हैं, तो उसके बाद आप अच्छे खासे इसमें अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपके पास कई प्रकार होते हैं जो एड्स नेटवर्क होते हैं, जैसे कि गूगल एडसन है और भी बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो कि आप एड प्रोवाइड कराते हैं, आप उनके एड अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, विजिटर्स आते हैं, उन एड्स पर क्लिक करते हैं और उनसे रेवेन्यू उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट पर जैसे ऐड आ रही है, ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, तो ये गूगल एडसन मुझे प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ कोई भी अगर विजिटर्स में आता है, इस पर क्लिक करता है, इंटरेस्ट लेता है, तो उसके कुछ ना कुछ मुझे जो उसमें अर्निंग होती है। तो ये एक तो हो गया, आपको गूगल एड्स द्वारा पैसे मिलेंगे, यानी कि एडसन से आप अप्रूवल ले लेंगे, आपकी वेबसाइट पर गूगल ऐड आएंगे, वहाँ से पैसे। दूसरा है आपका एफिलिएट। एफिलिएट में क्या है कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी होती है, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या शॉपक्लू हुआ, कुछ भी ऐसा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके प्रोडक्ट आप वहाँ से, वहाँ भी आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, वहाँ से आपको एक एफिलिएट लिंक लेना पड़ता है, वो लिंक आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक लेकर अपनी वेबसाइट पर देखते हैं और वहाँ से जो है विजिटर्स आते हैं, अगर उन्हें वो जो प्रोडक्ट है वो पसंद आता है और आपकी वेबसाइट के द्वारा वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो खरीद लेते हैं, तो उसके समय बेस पे आपको थोड़ा सा कमीशन मिलता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग इस समय बहुत अच्छा है, जो समय बहुत ज़्यादा लोग इसी से कमाते हैं, एड्स की अपेक्षा एफिलिएट मार्केटिंग से लोग अच्छी कमाई करते हैं। तो इसमें आपको 2-15% कमीशन तो अमेजोन भी देता है और भी विभिन्न कंपनियां, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी जहां आपको 50% कमीशन मिल जाता है, अर्थात अगर प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी मान लीजिएगा 20,000 है तो 10,000 पर आपके सीधे हो गए। तो ये ऐसा एक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें इस तरह का होता है, परंतु जो आपके वैसे प्रोडक्ट होते हैं अमेजोन वाले, उस पर आपको 10-15% तक मिल सकता है, 2-15% तक कमीशन आपको मिल सकता है। तो ये भी है कुछ डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है, यदि आपका भविष्य में बहुत अच्छा चल जाता है ब्लॉग और वहाँ पर स्पॉन्सरशिप आ जाने लगती हैं, लोग आपको अब दूसरे जो ब्लॉगर्स होते हैं वो आपके ब्लॉग पर अपने एडवर्टाइज देने लगते हैं, और रेफरल इनकम है, ये सब इसमें इनकम के सोर्स हैं। ठीक है, ब्लॉगर हैं, यानी कि आप अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आप करने की इच्छा है आपकी, तो देखिए सबसे पहले आपको ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आ चुके हैं यदि, तो सबसे पहले तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा धीरे, अर्थात आपको यहाँ पर कम से कम 6 महीने तक तो प्रयत्न करना ही करना है, उसके बाद ही आप सोचें कि अप्रूवल मिलेगा या उस पर आपको अर्निंग आने की। अप्रूवल आने के बाद भी नहीं कि आपको अप्रूवल आज मिला कल से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, इसमें बहुत समय लगता है, लगभग 1 साल बाद जाकर आपको जॉब मिलने स्टार्ट होते हैं, और उससे पहले आपको कोई स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो आप पहले 1 साल पहले भी इसका रिजल्ट ले सकते हैं, वो आपके वर्क पर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी इसको अपना मोनेटाइज कर लेते हैं। तो ये इसमें कुछ ऐसा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग्स या वेबसाइट में इंटरेस्ट है और आप इसे बनाना चाहते हैं और हमसे इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो देखिए इसके कुछ स्टेप्स हैं ब्लॉग को बनाने के। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप वेबसाइट और ब्लॉग में इंटरेस्टेड हैं और आप जो है वेबसाइट या अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं, समय है, समय आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, और भविष्य में आप इसे अर्निंग भी अवश्य करेंगे। अब बात आई कि देखिए मैं आपको अगर बिल्कुल आप मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉग कैसा तो बनता है आप और कहाँ से आपको इसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, अगर आपको बिल्कुल बारीकी से सीखना है कि ब्लॉग को बनाना है
तो मैं आपको इसका एक डेमो ट्यूटोरियल भी दे सकता हूँ। अगर यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हाँ, तो मैं आपको बिल्कुल एक बारीकी से बता सकता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन से इसमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, SEO कैसे करना पड़ता है, और इसके बाद भी इसमें बहुत सारी ऐसी जो पोस्ट है वो कैसे लिखनी होती है, तो बहुत बारीकी है, एक पूरा कोर्स होता है। मैं फिर भी इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, वीडियो बाई वीडियो आपको टॉपिक बाई टॉपिक प्रोवाइड करूँगा। तो ये ब्लॉगिंग का मेरा पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने ब्लॉग और वेबसाइट के बारे में बताया। यदि इसमें मुझे आपको इसमें फीडबैक्स आता है, लोग आप लोग कमेंट करते हैं, चाहते हैं कि हम इसके बारे में, तो मैं और वीडियोस के बारे में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने मित्रों में साझा करेंगे और अधिक से अधिक कमेंट करें। कोई भी आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं ब्लॉग वेबसाइट से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ब्लॉगर वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो आप मुझे अवश्य कमेंट कर लीजिएगा। और मेरा आपसे चलते चलते एक निवेदन है कि देखिए आप हमारी यूट्यूब चैनल MSN नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये है MSN नॉलेज हब, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान जो आएगा आपके काम। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी अपना ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप हमारे जो फेसबुक पेज है MSN नॉलेज हब, आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आप उसको लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर आकर के हम जो है जितनी भी वेबसाइट हमारी समय समय पर, जितनी भी ब्लॉग्स हम, जितनी भी हम पोस्ट बनाते हैं समय समय पर, वो भी यहाँ पोस्ट करते हैं, और जितनी भी अर्निंग से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास सूचनाएं होती हैं, वो सूचनाएं हम यहाँ शेयर करते हैं। जितनी भी हमारे पास अर्निंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, हम यहाँ पर साझा करते रहते हैं। तो आप हमारे जो है MSN नॉलेज हब जो फेसबुक पेज है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा या लाइक कर लीजिएगा, और हमारे जो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।